अमंती पेपे कर की रही है? मैं रत्ती पर भी सबूत नहीं रहन देंगी। ब्लीच किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। एक कर की रही है? कुछ तो लुको रही है, पर की हुण किसे नहीं पता लगेगा हल्दी च की मिलाया हुआ सी। ब्लीच की डब्बी है, ये अमृत कौर आखिर करना की चाहती है? चल की रहा है दिमाग विच? बड़े सबूत लगो रही है अमन दी बेबे, पर इसनु की पता कि नीयत तो नहीं लुको सकती। जरीना तू चिंता ना कर, मैं ना दवाई ला देनी है, फिर तू छेती छेती ठीक हो जाएगी। तुसा ठीक ता हो? जी ठीक हां। लवली हां जी, तुसा ना सुरजन लाभ रहा सी, जा जाके वेख ली। हां जी। जरीना मैं थोड़ी देर तक आनी है, ठीक है? लियाओ असा भी दवाई ला देने हां। Thank you.
इसनों उधर छड़न जा रहे हो तो छड़ के ही वापस आना। हुन इसका इस पार नाल या इस घर नाल कोई नाता नहीं है। जरीना की होया, कितने गवाची हुई है, गल की है? जरीना तो सानू सच्ची लगता है कि अमन दी बेबे ने हल्दी विच कुछ मिलाया सी? असानू तो इंजी लगता है, भला होर कौन कर सकता है? किसे नू की मतलब हो सकता है? तू किसे को ले खिंचना रही? मैं इस रिश्ते लिए हाँ अपने पति जिद करके की थी, तेनू अपनाया नहीं है। शायद असानू अमन नाल कल कर ही लेनी चाहिए। वेख सरीना, असानू पता है कि तुसा असानू अपनी मां नहीं मानते, पर हुन तुसा ता निकाह इत्थे होन जा रहा है ते असा तुसा तो कोसा दूर होवांगे। वैसे ता असानू कोई फर्क नहीं पैंदा, पर फिर भी असा तुसा दी भलाई लई कह रहे हैं। जी जी कहो। वेख अमन है ता पुत्तर ही ना, ते आखिर अमृत कौर उसकी माँ ही है, ते उसने अपने मुंडे नू पूरी तरह यकीन दिला दिता है कि वो तुसा दे निकाले बिल्कुल राजी है। ते एहो जे वक्त जे तू उसकी माँ बारे कोई भी गल कहेंगी ते हो सकता है अमन तुसा नू ही गलत समझे। बस एक बार निकाह हो जान दे, फिर सारी गल्लां अमन नाल कर लें। हुन कुछ कहेंगी ता कित्थे अमन गलत ही ना समझ लवे। अमन अपनी मां नू बहुत प्यार करता है ते एहो जे हालात विच उह शायद ही तेरी गल समझ सके। सरीना तू भावे उसकी बेबे ते इल्जाम नहीं लगा रही होवेंगी, पर तेनू लगता है ना क्योंकि उसकी बेबे तेरे निकाह लई राजी नहीं सी। पर अमन इस गल नू अपनी बेबे दे खिलाफ समझेगा। इस वक्त थोड़ा धीरज रख, निकाह होन तक इंतजार कर, तद तक अमन नाल चंगिया चंगिया गल्लां कर। वो भी इस वक्त तुसा वांग ही परेशान है। खाला शायद तुसा ठीक ही कह रहे हो। ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰਜਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਪਰਜਾਈ ਜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਤੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਵਲੀ ਤੇ ਸੁਰਜਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁਰਜਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਲਵਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ
क्योंकि तुसी जरीना तो छुटकारा पाना चाहते सी, इसलिए नहीं कि लवली नू अपने घर की नूह बनाना चाहते सी। एडा बड़ा धोखा वो भी मेरे नाल, हुण तुसी देखियो मैं करता की आ। मुकर रही है बापू, मेरे हाथ बजे हुए ने, मैं भी की करा। सुजन मेरा दूजा पुत है, उसे मैं धोखा किवें करा। कोई गल नहीं, जाओ तुसी। जगतार इन्नी छेती किदां मन गया? मेरे मनसूबियों के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, असी हारे जरूर हाँ, पर मैं नहीं हारिया। हुण क्यों टिटी गोंडा कढ़ना पैना है?
चंगा होया तू इत्थे मिल गया, मैं तेनू बुला लगी सी। हाँ जी बिल्कुल बोलो। आ लै ये बर्फ ना ठंडा पानी है, इहदियां पट्टियां ना ज़रीना नूं कर दे, इहदे जख्मां नूं आराम मिलेगा। बेबे पक्का बर्फ वाली पट्टियां करनिया ने, ठंड से पहले ही बहुत नाले वो पहले ही काम रही है। जे ब्याह जल्दी करवाना है ना तो जिदा मैं कह रही हूँ उदा ही कर, ब्याह तक ये जख्म ठीक हो जाए। हाँ जी बेबे तुसी सही कह रहे हो। हाँ हाँ यही तरीका है छेती जख्म ठीक करन दा। थोड़ी ठंड लगेगी पर तो ठीक हो जाएगी। हूं देखी ज़रीना तेरा की हाल होएगा। माफ करी ज़रीना पर तेरे लिए इस टाइम यही सही। तेरे जख्मां दी ते खैर आ पर मेरे जख्म जरूर भर जाएंगे। हुण व्याह कल तक किसी भी हाल च नहीं होएगा। जे ज़रीना कल तक ठीक होगी तो कल शाम तक फेरे करा देंगे, पर अपन ज़रीना नूं ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी, पर व्याह तां जरूर करा देंगे। सॉरी होनी थक भी गई सी। जख्मां ते जलन भी बहुत हो रही सी। ज़रीना 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 ये तो बहुत ताप रही है, बहुत तेज बुखार है। ज़रीना